वेट 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 सर जी आप आगे आगे आते जा रहे हो। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या एक्सपेक्टेशन था जर्नी से, थोड़े से पूरे चलते हुए? जर्नी बहुत अच्छी थी। हाय लुक यार, और सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे दो दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीज़ें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं। और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीतना इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे, डिजर्विंग थे, तो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग जर्नी होगी। सेंटर में आओ ना अभिषेक भाई। हाँ मैंने देखा, 5 लाख में छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। अरे यार थोड़ा राइट में शिफ्ट होइए ना। बस 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 एक साल से मैंने उसको अभिषेक भाई थोड़ा सा भी थोड़ा सेंटर में, थोड़ा सेंटर में, बस 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 सर कट रहे हैं पूरा फ्रेम सेट करो। मतलब एक साल से मैंने उसको टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं किया था और बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस करना पड़ा, बट अभी बाहर वाली कोई कनेक्शन डन एंड डस्टेड। ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। आपको सरप्राइज भी तो करना होगा। अरे यार कितना हिला रहे हो ट्राइपॉड में। तो नहीं, पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब मैंने हिला मत यार, क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड हैं या कुछ, और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूँ। पहले दिन ही स्टेज पर खुल गया, मैंने कहा मैं तो बाहर देख गया, मैं सिंगल था, सिंगल था, तो जो भी हुआ मुझे बाहर आके पता चला सब अच्छा ही हुआ। तो भगवान जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल के सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मुझे अभी यही पता चल रहा है लड़कियों से ज़्यादा उनकी माएँ मेरी फैन है, तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूँगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूँगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहूँगा। लड़की के बारे में हमने नहीं सोचा। बस अंकित भाई मेरे लिए, मतलब मैं उनको एक तरह से पूछता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आते हैं उन्होंने ही सिखाई थी और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था, वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ क्योंकि उनसे किसी ने कॉन्टैक्ट मांगा और उन्होंने दिया और फिर ऐसे आगे आगे बात करी और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ, बट जब एक इंसान की पहले से एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो फैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे रिश्ता अभी शादी थोड़ी इधर ही देखना क्या सारा कुछ, शादी थोड़ी करनी है तो मम्मी को पसंद आए ना आए कर लेंगे मम्मी पर बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी आप लोगों को क्या लगा, फेंक था मैं आपसे भी पूछ लूं, मैं पहली बार दे रहा हूँ, मैं इसलिए मैं पूछ सकता हूँ मेरे को हमारा है तो नहीं मैं बहुत रियल था, मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी इमेज है, तो मेरी इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था, तो
मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिसेंबल कर रहा था तो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ऐसा ही है, हाँ मैं ऐसा ही। अभी तो बाहर आए हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज़ को ओवरकम करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ मेरी सक्सेस के आड़े आए, और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूँगा। इस बारे में कोई बात नहीं, जाना चाहोगे अपने खिलाड़ी को जाना इस टॉपिक से रिलेटेड में कोई बात नहीं करना चाहता, और वो बिग बॉस में खत्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूंगा, खानजादी का फ्रेंडशिप नहीं। वो मुनावर भी मेरा दोस्त ही, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं, ऐसा कुछ मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। तो अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया, बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ, आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हैं। जब थप्पड़ मारना सब बोल रहे हैं, पूछे पूछे पूछे। अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने यही पूछोगे ना। अभिषेक सेंटर मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। मैं मेरे फादर को क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए, और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो तो। ये फैमिली फोबिया है, मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा, जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया, मुझे लगा मैं जीत जाऊँगा, बट ठीक है, टॉप टू में आना भी चमत्कार ही था। इस लाइफ से ये जो मैंने जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने 105 के 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा ख़त्म सा हो गया बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम कर। नो, इसके बारे में कोई आंसर नहीं बोला, पता नहीं। मेरे को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है, मेरे को नहीं यार यार कंफर्टेबल नहीं है। आनंद भाई आ रहे हैं फ्रेंड में, वो स्टूडियो मैंने बोला था, आपने बोला था क्या पास देते ईशा से दूर होने के, बोला भाई बिग बॉस में मेरी बोला दूर होने के। अरे मेरे मैं एक बार जा बात कर रहा हूँ, कोशिश 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 अभी से कोशिश आज।